एक ये बंदा मिला, देखें ये क्या कर रहा है। Washes are water body that are from 35 to 40,000 kilometers. The water here is clean and sweet because it's river water, you can even drink from it. To this day, there are people who are still living there. Their houses are on the water, and one of their main sources of income is fishing using fishing nets. If you look above you, you'll see a fishing net because the Iraqi pavilion is trying to throw this fishing net to catch opportunities. And the land of opportunities is expensive. Here, from something to this one, is a visit of Pope Francis to Iraq. As an Iraqi, we consider it historical because he is the first pope from the Catholic Church to ever visit Iraq. It also shows the world that Iraq is a land for all religions and is the land for peace. Our final monument is our capital city, Baghdad. This is called the Martyrs Monument, which was built in 1983 in memory of all the Iraqi martyrs who lost their lives defending our country. May they rest in peace. Underneath this monument, there is a huge museum where the Iraqi martyrs' names are engraved on the walls of that museum. Thank you so much for listening. Please proceed forward to the artillery and then to the speech. तो जी ये था जी इराक का पवेलियन जिसमें मैं आया। तो ये बंदा इंग्लिश में माशाल्लाह अच्छे तरीके से गाइड कर रहा था। हम पहले हैं, मतलब मैं पहला हूँ, यामर साहब से पहले मैं आगे खड़ा हुआ था, लेकिन अभी ही ओपन हुआ है। और यहाँ पर ये देखें, ये सीन है बैठने वाला, ऊँट वगैरह होते हैं यहाँ पर, चाय वगैरह भी मतलब वैसे ही लगी हुई है, लेकिन है नहीं कि मतलब आप पी वगैरह नहीं सकते। हाँ, आप बैठ सकते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन ये भी कन्फर्म नहीं है। अभी मेन गेट ये तरह से जाएँ अंदर, और ये चीज़ें लगी हुई हैं अंदर, पेंटिंग्स हैं। ये मस्जिद है इराक की, इट्स ओपन। बस यही है यार, छोटा सा, अंदर तो जाने नहीं दूंगा। इस तरफ देखते हैं, ऊँट गिर गया भाई एक। पीछे गया छोटा सा यार, बस दो मिनट में खत्म हो गया। लड़की तो अंदर बड़ी खूबसूरत बिठाई है, लेकिन बस ख़त्म। यहाँ पर बैठने वाला सीन है, एलसीडी लगी हुई है, बस इतना ख़ास नहीं है, बस ख़त्म। अगला देखते हैं। आ गया है यूके का पवेलियन, और अंदर क्या सीन है मुझे नहीं पता, अंदर चल के देखते हैं। पता नहीं इसने अभी ओपन किया है कि ना। उस गार्ड से मैं पूछ के आता हूँ कि ओपन है कि नहीं। ब्रदर इज ओपन या क्लोज? ओके, 12 बजे ओपन होगा यार, अभी बंद है। अच्छी बात है, सब बाहर तो बकवास ही लग रहा है। पहले भी ना, इस वजह से मैं चाह रहा था मैं सबसे पहले अपना पाकिस्तान पवेलियन ही देखूं। तो जी मैं आ चुका हूँ वापस,
उसी मेन एंट्रेंस पे जहाँ से मैं वो दूसरी तरफ गया अपने पाकिस्तान का पवेलियन देखने के लिए। उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आया ना पवेलियन देखने का वो इजिप्ट का था। अमेजिंग है यार, अगर आप आओ तो भाई लाजमी आकर वो देखना। अभी यहाँ पर टेबल कुर्सी वगैरह ने लगाई हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई सीन होने वाला है। कैमरे वगैरह लगाए हैं, जब मैं आया था सुबह उस वक्त तो नहीं था, हाँ सॉरी था उस वक्त, मैं दूसरी तरफ था उस वक्त। बहरहाल अभी इतना ज़्यादा मैं थक चुका हूँ ना और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। 1 बज गए हैं सुबह, मेरे ख्याल से मैं 9 बजे आया था। अभी रश काफ़ी ज़्यादा हो गया है और जो काफ़ी ज़्यादा पवेलियन थे वो ओपन हुए हैं तकरीबन 9 बजे, 9-10 बजे, हाँ 9-10 बजे। अभी मैं खुद भी चल चल के थक गया हूँ, पर अगर आप लोग आओ तो भाई पानी वगैरह अपने साथ लेकर आना, अगर खाना वगैरह आपने मतलब आपको भूख लगे ज़्यादा देर आपने इधर रहना तो भाई वो भी साथ लेकर आना। उसकी रीज़न ये है कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। अगर आप ट्रैवलर हो, बजट ट्रैवलर हो, तो फिर ज़ाहिर सी बात है बजट करोगे तो आगे कहीं ट्रैवल कर सकोगे, ठीक है भाई। ये सारा सीन है, बाकी ये फिर आप एक बार देख लें ऊपर से। सुबह जब मैं आया था उस वक्त रश काफ़ी कम था, अब ऐसे ही ऐसे पूरा दुबई ही एक्सपो 2020 में आ गया। बहरहाल बड़ी खुशी है, बड़ा अच्छा लगा मुझे देखकर। और ये देखें इतना ज़्यादा मैंने विज़िट किया, लेकिन फिर भी दिल नहीं कर रहा कि यार मैं वापस चला जाऊँ, दिल कर रहा है कि मैं और विज़िट करूँ, लेकिन कुछ नींद आ रही है, भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो इसलिए ज़्यादा रुकना मुनासिब नहीं है। जितना देखना था देख लिया, अभी जाकर वीडियो एडिट करूँगा। 3 या 4 मेरे ख्याल से मैंने देखे हैं, और ये भी तकरीबन कुछ 3 घंटे लगा लिया। आपके साथ 2 बज गए, 9 बजे में आया था। सीन काफ़ी ज़बरदस्त है, अच्छा लगा, खुशी। अगर आप लोग आते हैं तो आएँ देखें, आकर एक्सप्लोर करें, ताकि आपको समझ आए कि यार पाकिस्तान के अलावा भी बाहर बहुत ज़्यादा दुनिया है देखने वाली, ठीक है। एंड अभी सेम वही सीन है, यहाँ से मेट्रो मिलेगी, मेट्रो में जाऊँगा उसके बाद फिर वापस घर। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके बता देना कि कौन सा सीन आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।